कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीसरी लहर से कैसे बचा जाए, इसके लिए प्रशिक्षण, बच्चों की देखरेख के लिए ये ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग अब प्रशिक्षण का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है और मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रशिक्षण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अब तीसरी लहर के लिए तैयारियां। पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर आए तो दूसरी लहर के लिए कोई तैयारियां दिखी नहीं। मुख्यमंत्री आइसोलेशन में थे, मुख्यमंत्री के आइसोलेशन से बाहर निकलने के बाद हालात अब थोड़े सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन अब तीसरी लहर की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और तीसरी लहर के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये किस तरह का प्रशिक्षण होगा, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और तीसरी लहर में, तीसरी वेव में ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, बच्चों पर इसका ज्यादा असर होगा, लिहाजा उसी हिसाब से ये तैयारियां, ये प्रशिक्षण होगा। तो लखनऊ से खबर आपको दे रहे हैं, कोविड 19 के मद्देनजर, उसकी तीसरी लहर के मद्देनजर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाए। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की जनता को मिलेगी बड़ी सौगात। सभी को अपनी छत का तोहफा देने की तैयारी में है यूपी सरकार। ग्रामीणों को 25 लाख से ज्यादा आवास देने की तैयारी चल रही है। प्रदेश सरकार ने आवास स्वीकृति के लिए केंद्र को प्रस्ताव भी भेज दिया है। मई के अंत तक प्रस्ताव को केंद्र से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ग्राम्य विकास मंत्री ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को ये पत्र लिखा है। तो 25 लाख से ज्यादा लोगों को आवास स्वीकृत के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया गया। मई के अंत तक ये प्रस्ताव केंद्र से मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्राम्य विकास मंत्री ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखा है। विधानसभा चुनाव से पहले सभी को अपनी छत का तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार है। ग्रामीणों को 25 लाख से ज्यादा आवास देने की तैयारी चल रही है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपी में सेवा करना अपराध है। उनका कहना है कि कोरोना काल में दूसरों की मदद करने वाले लोगों से योगी आदित्यनाथ को डर लगता है। उत्तर प्रदेश में किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना अपराध हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की असली सोच उजागर हो रही है। आदित्यनाथ सरकार की असली सोच उजागर हो रही है। उनको कोरोना से नहीं लड़ना है, उनको उन लोगों से लड़ना है जो कोरोना के काल में मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ के अंदर ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की, मुफ्त ऑक्सीजन युक्त ऑटो एम्बुलेंस सेवा। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है ऑक्सीजन किसी को मुहैया कराना, किसी की मदद करना अपराध नहीं है, ये एक सेवा है। और आपने आम आदमी पार्टी के दो ऑटो एम्बुलेंस सीज कर दिए। एक तरफ लोग आर्थिक तंगी के चलते या फिर मजबूरी में शवों का अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें गंगा किनारे घाटों पर दफना रहे हैं, तो दूसरी ओर मोक्षदायिनी नगरी काशी में एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। यहां ईसाई समुदाय ने कोरोना से हुई मौत के बाद शव का पहले हरीशचंद्र घाट पर दाह संस्कार कराया और उसके बाद चिता की राख को कब्रिस्तान में दफनाया गया। क्रिश्चियन समुदाय की ये पहल ऐसे वक्त में सामने आई जब लोग शवों को गंगा में बहा रहे थे। आपको बता दें कि क्रिश्चियन समुदाय में शवों को कब्रिस्तान में दफनाने की परंपरा है, लेकिन इससे संक्रमण फैलने की आशंका के चलते लोग दाह संस्कार को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस समय जो है वास्तव में हमारे क्रिश्चियन जो वातावरण है या विश्वास है या धर्म विधि है वो इस प्रकार है कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो हम लोग उसको बाहर नहीं निकालते। ये नहीं कि वो उसको ज़मीन पर लिटा दिया या घर से बाहर कर दिया, ऐसा नहीं करते हम लोग, बल्कि उसको हॉस्पिटल से उसके घर में जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, उसके बाद फिर उसकी बॉडी को हम लोग चर्च में लाते हैं और चर्च में लेने के बाद पूरी धर्म प्रक्रिया करने के बाद तब हम लोग कब्रिस्तान में ले जाते हैं। कई सारे सवालों के बीच यूपी में पंचायत चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन पंचायत चुनाव के दौरान कुछ ऐसे जख्म मिले जिन्होंने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। शिक्षा कर्मचारी संघ ने दावा किया कि कोरोना संक्रमण के दौरान करवाए गए चुनाव की वजह से 1621 कर्मचारियों की मौत हुई है। हालांकि सरकार के आंकड़े एकदम अलग है। मंगलवार को बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दावा किया गया कि यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से सिर्फ 3 ही शिक्षकों की मौत हुई।
बेसिक शिक्षा विभाग का ये दावा है कि निर्वाचन अवधि चुनाव काम में घर से निकलकर आदमी की ट्रेनिंग लेने और चुनाव करवा के घर जाने के दौरान ही होती है। देखिए, हमने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही थी, जो बात शिक्षक संगठनों के लोगों की ओर से या मीडिया में बात आई थी कि चुनाव ड्यूटी में किन शिक्षकों की डेथ हुई, तो चुनाव ड्यूटी में रहते हुए जो उसका गाइडलाइन है निर्वाचन आयोग का, हमने कहा था कि जिलाधिकारियों के द्वारा मंगाई गई रिपोर्ट के आधार पर वो संख्या 3 है, 3 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। हम उनको जो मुआवजे मिलने चाहिए, जो उनके आश्रितों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, उस पर तत्परता से काम कर रहे हैं। कई सारे सवालों के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद कई सारे मुद्दे जरूर उठ खड़े हुए। शिक्षक संघ की मांग और सरकार के दावे की अब हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर शिक्षक संघ की मांगे क्या है। मृतक शिक्षकों को 2005 से पहले लागू पुरानी पेंशन दी जाए, मृतक शिक्षकों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, मृतकों के योग्य आश्रितों को शिक्षक की नौकरी दी जाए और बाकियों को लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाए, मृतकों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए, मृतकों को ग्रेच्युटी की धनराशि भी मिले, कोरोना संक्रमित टीचर्स के इलाज का खर्च सरकार दे, चुनाव में गैर हाजिर शिक्षकों कर्मचारियों पर कार्रवाई ना हो, टीचर्स से आरटीई एक्ट के तहत शिक्षण के अलावा दूसरा काम ना ले। शिक्षक संघ ने सीएम को 16 मई को खत लिखा है। तो यूपी टीचर्स एसोसिएशन की यह मांग है राज्य सरकार से। दरअसल पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण शिक्षकों को जो दिक्कतें आईं, इतना ही नहीं कई शिक्षकों ने जान भी गंवाई। उसके बाद ये कुछ मांगे हैं जो यूपी शिक्षक संघ ने सरकार के सामने रखी हैं। बकायदा एक प्रेस रिलीज भी इसके लिए जारी किया गया है। अमरोहा के धनोरा गांव क्षेत्र में गांव वालों ने पंचायत चुनाव के बाद गांव में 50 से ज्यादा लोगों की संक्रमण की वजह से मौत होने पर जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक गांव में कोई भी टीम नहीं पहुंची, ना ही गांव में दवाइयां मुहैया करवाई गई हैं। हालांकि इस मामले में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के लिए टीम भेजने की बात कही है। गांव में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी का अंबार लगा है। हालांकि यहां पर एक सवाल यह भी है कि जब पंचायत चुनाव चल रहे थे, लोग वोट डालने के लिए गए, लोगों ने भी नियमों का पालन नहीं किया। तब एबीपी गंगा लगातार कह रहा था कि आप नियमों का पालन करें, लोगों ने नहीं किया। जब रिजल्ट आ रहे थे तब भी लोगों ने नियमों की अनदेखी की, और आज आलम यह है कि गांव गांव में लोगों की मौत हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि ये मौतें संक्रमण की वजह से हुई है, लेकिन ना ही प्रशासन की कोई टीम पहुंच रही है, ना स्वास्थ्य महकमे की कोई टीम पहुंच रही है, कोई टेस्टिंग, कोई जांच, कुछ नहीं हो रही है, तो सिर्फ मौतें। और इस बीच में कुछ ये जो तस्वीरें गांव की आ रहे हैं कि जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं वो किस तरह की है, यूं ही नहीं कहा गया कि वाकई व्यवस्थाएं भगवान भरोसे हैं। उधर कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रही, जिसके बाद युद्ध स्तर पर लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने की प्रदेश सरकार ने कोशिशें की। अब लखनऊ की जामा मस्जिद भी जरूरतमंदों के लिए आगे आई है और फ्री में लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई जा रही है। कहते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और कोई भी धर्म मजबूरों और जरूरतमंदों की मदद करने से नहीं रोकता। ये बात लखनऊ की इस जामा मस्जिद से साबित हो जाती है, जहां बिना किसी भेदभाव के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर दिए जा रहे हैं। इंसानियत और मानवता से बड़ा ना कोई धर्म है और ना ही कोई मजहब। धार्मिक संस्थाएं हमेशा से यही पैगाम, यही संदेश देती आई है। वैश्विक महामारी के इन मुश्किलों भरे दौर में राजधानी लखनऊ के लालबाग में स्थित जामा मस्जिद इस समय लोगों की उखड़ती सांसों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। जिस समय लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए परेशान हैं, उस समय जामा मस्जिद से लोगों को ये निशुल्क मुहैया कराई जा रही है। जिन लोगों को कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वो यहाँ आ रहे हैं और अपनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर लेकर जा रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट बहराइच से नानपारा के गांव से आया हूं। वहां पे ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है कि मुझे सरकारी अस्पताल में दिन भर बैठे रहने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिला। तो हाथ पैर मारने के बाद मुझे किसी रिलेटिव से पता चला कि यहाँ पर सिलेंडर मिल रहा है, तो
तो मैं यहाँ सिलेंडर लेने आया था। उसे हमारे चाचा जी की कोविड पॉजिटिव थे, वो एडमिट थे अस्पताल में, उनकी छुट्टी हो गई है, तो उनको ये बताया गया कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो कंसंट्रेटर के लिए रिकमेंड किया गया है, तो वही कंसंट्रेटर लेने के लिए मुझे पत्र अखबार के माध्यम से मैंने पढ़ा, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर लेने के लिए आया हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस पहल के बारे में आप? बहुत अच्छी पहल है और इसमें काफ़ी लोगों को, बहुत से लोगों को फ़ायदा हो चुका है, बहुत से लोग और आ भी रहे हैं लेने के लिए। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, जब लोग अस्पतालों के बिस्तर पर, गेट पर एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जब आंखों में आंसू थे। इन तस्वीरों को देखकर न जाने कितने ही लोग रोए होंगे, ऊपर वाले से इन हालातों को रोकने की दुआएं की होंगी। अब पहले से कुछ सामान्य हालात हैं और इन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद लालबाग में मौजूद जामा मस्जिद की कमेटी ने ये फैसला लिया कि लोगों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर मुहैया कराया जाएगा। एक मित्र ने हमसे ऑफर किया था कि हम आप लोगों को कुछ मदद करेंगे, आप ये काम शुरू करिए, तो इसके लिए सबसे अच्छा यही हुआ कि लालबाग चौराहे पे मस्जिद है, सेंट्रली लोकेटेड है, लोग आसानी से पहुंच जाएंगे, तो इस जगह का इंतखाब किया गया। और मस्जिद से जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है, अगर एक अल्लाह का घर है तो उसकी रहमतें और बरकतें भी इसमें ज़्यादा शामिल हैं। कोई भी काम करें अगर भगवान के घर से, अल्लाह के घर से शुरू करेंगे, तो उसमें उनका आशीर्वाद मस्जिद शामिल हो जाता है। शुरुआत में यहाँ 5 ऑक्सीजन सिलेंडर और 5 कंसंट्रेटर का इंतजाम किया गया, लेकिन धीरे धीरे इस मुहिम से और लोग भी जुड़ने लग गए। अब यहाँ 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 15 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, जिसमें से 50% गैर मुस्लिमों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। किस तरह से यहाँ पर हर जरूरतमंद की मदद की जा रही है बिना उनका धर्म देखे, और हर मजहब भी यही संदेश देता है कि किसी की जान बचाने से ज्यादा किसी जरूरतमंद की मदद करने से बड़ी इबादत और कोई नहीं। कैमरा सहयोगी मेहंदी हसन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब आपको दिखाते हैं अवध क्षेत्र की खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का। ताऊते तूफान का असर दिल्ली और यूपी में भी देखने को मिला। सुबह से ही दिल्ली से सटे कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कौशाम्बी में फिर देर रात बारिश हुई। प्रतापगढ़ में ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है, उनका इलाज जारी है। औरैया में बारिश से किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की खड़ी मूंग और तरबूज की फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है। हरदोई में बरसात की वजह से मंडियों में रखा हुआ गेहूं खराब हो गया। हल्की बरसात में ही व्यवस्था के पोल खुल गए। गेहूं बर्बाद होने के बाद अधिकारी लीपा पोथी में लगे। मुंबई में ताऊते चक्रवाती तूफान में सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना क्षेत्र का एक युवक लापता है। लापता होने की सूचना पर घर वालों का बुरा हाल है। परिजन अब किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका जता रहे हैं। सीतापुर में अज्ञात हमलावरों ने स्कूल प्रबंधक बुजुर्ग पर हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। देर रात अज्ञात लोगों ने प्रबंधक पर धारदार हथियार से वार किया। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। एक और विधायक के कोरोना संक्रमित होने की खबर आ रही है। खबर पीलीभीत से बीजेपी विधायक किशन लाल राजपूत कोविड से संक्रमित हो गए। 17 मई को विधायक ने अपना कोरोना टेस्ट कराया था और 18 मई को सांसद वरुण गांधी के साथ वो एक कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान दूसरे विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और कई समाजसेवी भी मौजूद थे। कोरोना संक्रमण का अंदेशा होने के बाद पीलीभीत में भाजपा विधायक किशन लाल राजपूत ने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया। हालांकि नियम के मुताबिक भाजपा विधायक को घर में होम आइसोलेट हो जाना चाहिए था, लेकिन सैंपल रिपोर्ट आने का इंतजार ना करके विधायक खुलेआम कोविड-19 के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते रहे, कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। इतना ही नहीं, कई बड़े अधिकारी उस समेत अन्य नेताओं के संपर्क में भी वो 3 दिनों में आए। और अब पश्चिमी यूपी की खबरें आपको दिखाते हैं सुपर फास्ट अंदाज़। चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बारिश और तूफान के अलर्ट के बावजूद 100 टन गेहूं खुले में छोड़ दिया गया। गेहूं को ढकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। मेरठ के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 42 मरीज भर्ती हैं।
और अब तक 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी की। अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 2 मरीज सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी है। मरीजों के लिए अब दवाइयां आने का इंतजार है। मुजफ्फरनगर में रामपुरी मोहल्ले में तरबूज पर थूकने का वीडियो वायरल हो रहा है। सब्जी और फल बेचने वाले एक अज्ञात युवक रेडी पर रखे हुए फल पर थूक कर उसे वापस रेडी पर रख रहा है। शामली के कैराना में कोरोना से मुक्ति के लिए 3 दिन से चल रहे हवन यज्ञ का समापन हुआ, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के साथ क्षेत्रवासियों और व्यापारियों ने आहुति दी। राज्य मंत्री विजय कश्यप पंचतत्व में विलीन। सहारनपुर के नानौता में अंतिम संस्कार किया गया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान रहे मौजूद। कोविड-19 के नियमों के तहत अंतिम संस्कार किया गया। मुरादाबाद में रेंज के डीआईजी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच संभल जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां शलभ माथुर ने सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में निरीक्षण किया। उत्तराखंड के शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर है। एबीपी गंगा संवाददाता ने चमोली के गांव का जायजा लिया और अब हम आपको वहां के हालात दिखाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना गांव गांव में अपने पैर पसार रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं चमोली के गौणा गांव में और यहां पर भी 13 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, वो भी तब जब यहां के लोगों ने प्रशासन को बताया कि कोरोना के सिम्टम्स गांव वालों में देखे जा रहे हैं। उसके बाद टीम यहां पर पहुंची, लोगों का टेस्ट किया गया और 13 लोग पॉजिटिव पाए गए। गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और कुछ इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो गांव में जगह जगह पर लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो भी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं वो होम क्वारंटीन रहें और इन नियमों का पालन करें। लेकिन गांव के लोग अभी भी प्रशासन से खासे नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1500 की आबादी वाले इस पूरे गाँव के अंदर टेस्ट अभी भी सभी लोगों के नहीं हो पाए हैं। जो गाँव के प्रधान है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी जी, ये बताइए कि क्या समस्याएं इस वक्त आपको पूरे गांव में देखने को मिल रही हैं। कोरोना की जो महामारी है वो लगातार गांव-गांव में फैलती जा रही है और आपकी गांव की आबादी भी ज़्यादा है, तो क्या क्या समस्याएं आपको देखने को आ रही हैं? फिलहाल तो हमारे पास टेस्टिंग के लिए ज़्यादा समस्याएं हैं, टेस्टिंग यूँ नहीं हो पाया ढंग से, क्योंकि वो पता आगे से बताया जा रहा है कि यहाँ पे टेस्टिंग की कमी है, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। 45 साल से ऊपर के हमारे गाँव 7 तोकों में बटा हुआ है और 11 हमको दूर पड़ता है, इसलिए हमारा गोणा में वैक्सीन सेंटर होना चाहिए, जैसे कि प्रशासन की नहीं हो पा रहा यहाँ पे। और वर्तमान में मतलब 150 आदमी के जो यहाँ पे हमारे पे टेस्ट कर रहे हैं, उसमें से 13 लोग पॉजिटिव निकले हैं और वो होम आइसोलेशन के अंतर्गत अपने उसको पालन कर रहे हैं। और 25 आदमियों का जो रैपिड टेस्ट किया गया उनसे 25 निगेटिव निकले हैं। और बाकी गाँव में बुखार, दर्द, खांसी, इसकी समस्या क्या और समस्याएं आ रही हैं, क्यों टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं गाँव में? टेस्ट की समस्या तो ये है कि जो मेडिकल टीम के द्वारा मेडिकल टीम को बताया गया है वहाँ यहाँ पे जो गजेंद्र रावत जी हैं DCDR जो चेयरमैन और कॉपरेटिव बैंक के चेयरमैन और वो रघुवीर सिंह बिस्ट जी, उनको हमने फोन करा, व्यक्तिगत फोन करा, तब जाके यहाँ पे मेडिकल टीम पहुँची है सैंपलिंग के लिए। मात्र 1500 का आबादी है यहाँ पे और मात्र 100 उन्होंने किट लेके आए थे यहाँ पे, उसके बाद 25 लोगों का रैपिड टेस्ट किया गया जो नेगेटिव निकले हैं। बाहरों की स्थितियाँ बहुत खराब है, लोग इसी आस में कि टीम आ जाए और पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर कॉन्टैक्ट करें तब जाकर टीम पहुँच रही है। ऐसे में ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की टेस्टिंग हो, क्योंकि केसेस मिल रहे हैं पहाड़ों में। चलिए, तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, आगे भी हम लौटेंगे। गंगा सवेरा में फिलहाल इतना ही, आगे 8 की बात मेरे साथ।